तो टैबलो में हम बात करेंगे कि लाइव और स्टैक में क्या फर्क है। देखिए, जब डेटा आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक कनेक्शन लाइव होता है। लाइव इट मींस आपके डेटा से कनेक्टेड है। मेरा जो ओरिजिनल डेटा है, जो एक्सिस एक्सेल फाइल को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर उस एक्सेल फाइल में किसी भी तरह का चेंजिंग होता है तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि ये लाइव कनेक्शन है। अगर चेंजिंग नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिफ्रेश करना है। जी हाँ, रिफ्रेश करते ही आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको रिफ्रेश करना है। अब इसमें बात करते हैं कि अब रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप वहां पे करते अपने आप हो जाता है, और रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन आप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते आप रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करते आपका डेटा ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाता है। लेकिन एक्सट्रैक्ट में क्या ऑप्शन है? जैसे मान लीजिए आपने डेटा लिया और डेटा चेंज होते रहता है, लेकिन मुझे डेट चेंजेबल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं डेटा ले लिया बस कॉपी पेस्ट टाइप का हो जाए, तो उसके लिए हमें एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने से क्या होता है, अब एक कॉपी पेस्ट टाइप का हो गया, ये डेटा टैबलू के अंदर में स्टोर हो गया है। टैबलू जो है हमारा इस डेटा को रोल लिया। आप ओरिजिनल डेटा में कुछ भी होता है उससे कोई लेना देना इसको नहीं है, रिफ्रेश करने पे वो आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप वापस लाइव पे क्लिक करेंगे, जितना भी आपका अपडेशन होगा फाइल में, वो आपका इस डेटा शीट पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ टैबलू की सारी वीडियो सिक्वेंस में मिलेंगे। थैंक यू।